दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं दिखा रहा हूँ कि दुबई में कटर से कैसे बांधी होता है। कटर इंडिया में तो हुक से बांधते हैं लोग, लेकिन दुबई में कटर से बांधी होता है। आप लोगों को मैं बांध के दिखाता हूँ। ये दोस्तों दुबई में ये कटर से बांधी होता है। इंडिया में हम लोग हुक चलाते थे, लेकिन यहाँ कटर से बांधी होता है। सब लोग यहाँ कटर से बांधते हैं। ये ऐसे वायर लिया जाता है, वायर को एक बार में लेकर के निकाल के तब ऐसे बांधती होती है। लेके कचरा उठाते हैं। इसे बांधने में बहुत आसानी है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम पे आपको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाइए बांध के कैसे होता है। थोड़ा नज़दीक कैमरा। ऐसे लिया जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें बांधी काम बहुत साफ़ होता है दोस्त। आप देखिए कचरा नहीं लगता है बांधी में, पूरा एकदम साफ़ हो जाता है बांधी। इसी के साथ दोस्तों मैं आगे आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जैसा कि हमारे उधर बीम बांधने में, स्लैब बांधने में ढेर सारे वायर जो है नीचे गिर जाता है, जिसको निकालने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो हेल्पर होता है वो लेट लेट करके बीम में हाथ डाल करके जब ये निकालता है, इससे निकाला जाता है। और यहाँ का सबसे बेस्ट सिस्टम ये है, जिम करके देखिए जितना भी कचरा रहता है अंदर सारा निकल जाता है। इसको एक पैकेट में डाला जाता है, उठा करके ऐसे उठा करके जितना भी कचरा रहेगा, वायर कहीं भी रहेगा वो निकल जाता है इससे। इसको मैग्नेट बोला जाता है दोस्तों। ये यहाँ बीम या स्लैब के अंदर बांधने के बाद जो भी वायर कटिंग वटिंग हो थोड़ा बहुत, उसको जो है बहुत कहीं भी अगर जहाँ इंसान का हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ से ये कचरा निकाल सकता है, ये मैग्नेट बोलता है इसको। दोस्तों आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, दुबई से रिलेटेड हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचाएँगे, कैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है। और हर दुबई से जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम में दुबई में आप हम लोग करेंगे वो सब आप लोगों तक पहुँचाएँगे। इसके लिए आप लोग हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई सा भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग आसानी से देख सकें। तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक भी कर देना।